ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये कोडिंग डिकोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें रिक्वेस्ट को एक स्पेशल कोड दिया गया है, उसी तरह उसी फॉर्मेट पे एसिड का क्या कोड हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या पैटर्न लगाया गया है, चूँकि देखते हैं कि अगर हम रिक्वेस्ट को ले लें, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट को ले लें तो इसमें कॉन्सोनेंट कितना है और भवेल कितना है। तो चूँकि देख लेते हैं, भवेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो इसमें एक भवेल ये है, ई है, उसके बाद एक भवेल कौन सा, यू है, एक भवेल ये है, यानी इसमें 3 भवेल है, बाद बाकी सभी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जो है उसमें +1 कर देंगे और भवेल का जो है पोजिशन कर देंगे। भवेल किस पोजिशन पे है, जैसे पहला पोजिशन ये हो गया, दूसरा पोजिशन ये हो गया, तीसरा पोजिशन ये हो गया, चौथा पोजिशन और ये हो गया पाँचवा पोजिशन, ठीक है। तो भवेल में जो पोजिशन है उसको ले लेंगे, जैसे रिक्वेस्ट है क्यू यू ई एस टी, तो रिक्वेस्ट में +1 कर देंगे। आर में +1 अगर कर दिए तो कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। इसमें +1 कर दिए तो S1 हो जाएगा। E का पोजीशन सेकंड पे है, ठीक है। Q में भी 1 कर दिए तो Q किस पोजीशन पे होता है, क्योंकि 17 ये हो गया, R हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, एक भवेल है, और भवेल किस पोजीशन पे है, पांचवें पोजीशन पे है, और ये किस में पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन, क्योंकि भवेल है। ये कितना हो जाएगा, ऐसे कॉन्सोनेंट इसमें +1 कर देंगे, यू हो जाएगा, और टी में +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। ये टी हो जाएगा, एस के बाद टी होता है और टी के बाद यू होता है। तो ये सेम पैटर्न मुझे मिल गया। तो उसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, एसिड का करेंगे। तो एसिड में क्या, एक कॉन्सोनेंट है तो पहले पोजीशन पे ये हो गया, सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ये हो गया डी, एक आगे बढ़ा देंगे, आई क्या हो गया, एक भवेल है, ये 3 हो गया, और डी एक कॉन्सोनेंट, फिर हो गया ई, तो 1D3E, तो 1D3E क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।